अरे नहीं बैठ लिया यार, नाम क्या है? नीलम। क्या है ये? लड़कियों में अगर कुछ हो तो हम नंबर देते हैं। आज तेरी पर्सनालिटी को देख के ये जैकी फिक्स करता है तुम्हारे लिए 100 रुपये। क्यों रे, 100 बहुत है ना? बहुत है इसके लिए। ए! तू क्या समझता है अपने आप को? अपनी माँ बहन के लिए फिक्स करना ये रेट, तब मजा आएगा, चप्पल से मारूंगी। उन लोगों के बारे में जानते हुए भी तूने ऐसा क्यों किया? क्या कर लेगा वो? हाँ, क्या कर लेगा वो? मेरा रेट फिक्स करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगी? ठीक है, आज जो भी होगा देखा जाएगा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कम्प्लेन करूंगी, इन सबको अंदर करवा कर ही छोड़ूंगी। देवी सर्वभूतेषु धैर्यलक्ष्मी रूपेण नमस्तते। क्या कर रही हो तुम अंदर? क्या है ये, हॉस्टल है या मंदिर? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए धैर्यलक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। डर? वो क्यों? नीलम के साथ जो हुआ ये जानने के बाद डर लग रहा है मुझे। मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं, बुखार भी है। हाँ, इसका बदन तो जल रहा है। ए, उसे कुछ हुआ तो तुझे क्यों बुखार आ गया? पागल है, चलो कॉलेज चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चल पगली गई की, आज सेमिस्टर का रिजल्ट है, सबको कंपलसरी अटेंड करना है, ये प्रिंसिपल साहब का हुक्म है। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। कम ऑन। डाइल्यूशंस टू CSM, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। एनी डाउट्स आस्क मी। हैव यू कंप्लीटेड? आप सबको एक बात बतानी है, इस सेमेस्टर में भी इंदिरा ने सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की है। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। इंदु, तुमने लास्ट 2 सेमेस्टर्स की फीस अभी तक नहीं भरी। तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पर मैंने देखा। तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ा ख्याल रखो, ओके? ओके सर। इंदु, हाँ? तेरे लिए ये लेटर आया है। ये ले। बस लेटर ही है, मनी ऑर्डर नहीं आया? नहीं आया, बस लेटर ही है। ओके थैंक्स। ओके इंदु, तुम्हें पैसे भेजने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की बेटी, लेकिन न भेज सकी। यहाँ हालत ठीक नहीं है, व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए 2 महीनों से तुम्हें पैसे नहीं भेज पाई। तुम समझ सकती हो, हालात को समझते हुए पढ़ाई छोड़कर घर आ जाओ तो ठीक रहेगा, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी। पर मैं क्या करूं, दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तुम्हारी माँ। मेरा सामान कहाँ है? इंदु, तुझे वार्डन ने बुलाया है। तूने इसे अपने बाप की जागीर समझ रखी है? जो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा, पैसे भरकर अपना सामान लेकर जाओ। शर्म आनी चाहिए, पैसे तो भरे नहीं मगर आंसू देखो मगरमच्छ के कैसे बाहर आ रहे हैं। हालात को समझते हुए तुम पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। ए, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं भैया, हमें मिली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, वो धनराज के आदमी वहीं पर आ रहे हैं, कंफर्म। मुझे माफ करना माँ, पढ़ाई के बिना मैं जी नहीं सकती, इसलिए जान दे रही हूँ। मुझे जिंदगी ने क्या दिया, सुख से मुझे जीने नहीं दिया, कम से कम खुशी से मरने तो दो।
हेलो, रेलवे इंक्वायरीज, निजामुद्दीन एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या 2 घंटे लेट है? उससे पहले कोई ट्रेन आने वाली है? क्या एपी एक्सप्रेस पहले आएगी? निकल चुकी है, 2 मिनट में आएगी। सेकंड ट्रैक पर आएगी ना? थैंक यू, सेकंड ट्रैक पे आएगी। मैं आत्महत्या कर रही हूं और यहां किसी को फिक्र नहीं। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए। हेलो, आपको क्या मजाक सूझ रहा है? अरे, रात के समय एक लड़की आत्महत्या करने जा रही है और तुम उसे रोकने के बजाय ट्रेन कब आएगी ये कह के इंक्वायरी करते हो। कोई सिनेमा के सीन देखने जैसे एंजॉय करते हो और ऊपर से गाना गा के मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ाते हो। प्रॉब्लम्स है तो मरने जा रही हो? तो मरो। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स है। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, डर लगता है तो मर जाओ। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, डर लगता है तो मर जाओ। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं।
बदली सी नजर आ रही हो। इंसान को बदलती देर नहीं लगती। चलो सुनो, जैकी और उसके दोस्त आते ही होंगे, आने दो। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। ए, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ए, रुक रुक। वाव, फैंटास्टिक फिगर। ओए, चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल, चल देना। अरे दे, तू भी दे, दे मुझे। ये लो। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में तुम जैसी फिगर का रेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे लिए काफी नहीं, मैं फिर आऊंगा। सुन बे, इस रेट पर तेरी बहन जरूर आएगी, पूछ क्या रास कर। तू पागल हो गई है क्या? उसके बारे में जानते हुए भी लफड़ा मोल ले रही है? मतलब वो कुछ भी बकता रहेगा और हम सुनते रहेंगे? इंदु इंदु, वो बहुत ही डेंजरस लड़का है। चलो हम सब हॉस्टल चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं लैब जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी। चलो इंदु, प्लीज मेरी बात मानो। इंदु, तुम समझते क्यों नहीं, वो लोग बहुत बुरे हैं। उनसे दुश्मनी ठीक नहीं। नीलिमा का क्या हश्र हुआ याद नहीं? गनी, मुझे फिर से डर लग रहा है। डर लगी तो मर जाओ कहा था तुमने, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत तो गनी। वेरी गुड, बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुम फर्स्ट आई हो सब में। तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत आ गई बेटी? अगर तुम चाहो तो तुम्हें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में